आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। जी हाँ, आपने एकदम सही थंबनेल देखा है। मेरा नाम है मानस पांडे और थंबनेल में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ परीक्षा में 12 प्रश्न आएंगे, उनमें से 10 प्रश्न को कन्फर्म आप कैसे सही करेंगे, ये मैं गारंटी के साथ और लिखित गारंटी के साथ देता हूँ कि आप सिर्फ 3 काम करिए मेरे बताए हुए और आपके 10 प्रश्न कुछ और सही ना हो, ये 10 प्रश्न जरूर सही होंगे जीएस वाले पोर्शन पे। इसके पहले मैं बता दूं, ये सारी जितनी भी वीडियो है ये यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अपलोड करता हूं। अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और सारे टेस्ट सीरीज और सारे पीडीएफ मैं टॉपर्स कोड जो कि एंड्रॉयड ऐप है उस पर अपलोड करता हूं। अब आ जाइए जल्दी से जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं। इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल 12 प्रश्न आएंगे, ठीक। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने देखा होगा 2023 का लोक सेवा आयोग के आरओ का पेपर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी अगले 1 से 2 दिन में मैं उस पेपर को पूरा एक्सप्लेन करूंगा यहीं पे, तो उसका ज़रूर वेट करिएगा और सारी वीडियो को देखिएगा। फिलहाल आप उसको जब गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे 12 प्रश्न इंडियन इकोनॉमी के स्टैटिक आए थे। स्टैटिक का मतलब वो जो प्रश्न जो नहीं बदलते हैं, ठीक, और बजट भी इसमें शामिल है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 10 प्रश्न आपका कन्फर्म सही होगा और वो भी 3 चीज़ से। सबसे पहला काम, मैंने अभी इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिस पे 20 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 10 वीडियो और अगले 5 दिन में अपलोड कर दूंगा, ठीक। टोटल 30 वीडियो बनेंगे इंडियन इकोनॉमी के स्टैटिक, मतलब स्टैटिक का मतलब जो कि नहीं बदलने वाला, तो वो आपको पूरा रट लेना है। 10 बार वीडियो को सुनिएगा, आपको पूरी चीज़ें रट जाएगी। अगर आप इकोनॉमिक्स में एकदम गोबर भी होंगे तो भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पूरी इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, बजट क्या होता है, बजट कैसे निकाला जाता है, बजट का एक एक पहलू, उत्तर प्रदेश लोक सेवा माने उत्तर प्रदेश का बजट, संघ लोक सेवा आयोग का बजट पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है मैंने कि बजट पढ़ा कैसे जाता है, ये भी आप जान लीजिए। बजट को एक्सप्लेन कैसे करना है ये भी बता रखा है, ठीक। तो ये टोटल कितनी वीडियो है, 30 वीडियो की प्लेलिस्ट है और वही वीडियो में जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मिलेगी टॉपर्स कोड पे। कहाँ मिलेगी, ये देखिए टॉपर्स कोड का व्हाट्सएप नंबर ये है, वेबसाइट वो है टॉपर्स कोड की। तत्काल आप यहाँ पे जाके पीडीएफ निकाल लेंगे, 3-4 फोल्डर हैं, किसी भी फोल्डर को ओपन करेंगे पीसीएस आरओ बीईओ तीनों में आपको ये दिख जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको ये 30 वीडियो सबसे पहले पूरी करनी है। इसको 10 बार पढ़ना पड़े 10 बार पढ़िए, पीडीएफ से आप प्रॉपर अपनी नोट्स बना लीजिए, नंबर वन। नंबर टू क्या है, 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ मैंने टॉपर्स कोड के हर फोल्डर, आरओ के फोल्डर पे है, पीसीएस के फोल्डर पर है, बीईओ के फोल्डर पर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप वहां से इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन खोलिएगा और इकोनॉमिक्स में लगभग 800 प्रश्न हैं इंडियन इकोनॉमी के। दूसरे नंबर पे आपको ये 800 प्रश्न रट लेना है। रट लेना है का मतलब 2 से 3 बार रट डालिए। और तीसरा काम जो करना है, टॉपर्स कोड का जो टेस्ट सीरीज है आरओ का, बीईओ का और पीसीएस का, उसमें मैं 4 से 5, कितना, 4 से 5 फुल लेंथ स्पेशल टेस्ट डालूंगा लगभग 600 प्रश्न का। बस आप इतना 3 काम कर लीजिए, उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, एक तो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लीजिए पूरा 2 से 3 बार, 30 सालों का प्रश्न रट लीजिए 1 से 2 बार और ये 30 वीडियो को रट डालिए 5 से 6 बार, बस 10 प्रश्न की गारंटी मैं खुली देता हूँ आपको कि सिर्फ 2 चीज़ से, वो भी बिना कुछ ज़्यादा तेल पानी लगाए हुए, ठीक है ना। तो ये इतना काम आपको करना है और ये गारंटी है इतना कर लेंगे तो कितना प्रश्न सही होगा, 10 प्रश्न सही होगा। बिल्कुल ना बजट के लिए परेशान होइए, ना इकोनॉमिक सर्वे के लिए, ना संघ के लिए, ना स्टेट के लिए, दोनों का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने कर रखा है। ये 30 वीडियो आपके लिए रामबाण है और ये यहाँ पर नहीं, यूपी पीसीएस में 20 प्रश्न आएगा जिनमें से 10 प्रश्न की वहाँ भी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका खुद का पढ़ा हुआ यही 3 चीज़ों से आएगा, कहीं चौथे से नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं ये भी आपको बता दूँ कि टॉपर्स कोड की मैं गारंटी देता हूँ, आरओ के 70 प्रश्न टॉपर्स कोड से होंगे, खुला गारंटी, क्योंकि सारे 30 सालों के प्रश्न ही आते हैं। हाँ, इस बार थोड़ा सा पेपर टफ आएगा पिछली बार की तुलना में, लेकिन मैं उसकी भी प्रॉपर तैयारी कर चुका हूँ, टेस्ट जो है वो टफ में ही मैं बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।